हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्ते तु तमः प्रमादे संजय इति उत संजयति प्रमादे संजयति उत। ओके, भगवान कह रहे हैं, हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। ओके, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ बस। सतोगुणी पुरुष अपने कार्य भौतिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक वैज्ञानिक शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, यह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है, यह लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुणी तो ज्ञान को ढक लेता है, तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। दैट्स ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम ज्ञानातिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाके चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो हम लोग कल सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में चर्चा कर रहे थे, और अब भगवान कह रहे हैं कि वेल, रजोगुण तमोगुण में तो प्रॉब्लम है, मगर सतोगुण में भी प्रॉब्लम है। इन तीन गुणों में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दैट्स अ होल पॉइंट। कृष्ण कह रहे हैं सत्वम सुखे संजयति। सतोगुण में व्यक्ति सुख से बन जाता है। अब सतोगुण मैंने बताया था, सतोगुण मतलब क्या था? सतोगुण मतलब भाई क्या कहते हैं उसको, निर्मलम प्रकाशकम अनामयम। नहीं, सतोगुण में अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ निर्मल है, साफ है, प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, रोशनी का प्रकाश, लाइटिंग है, नहीं, फ्रेश एयर है, तो अच्छा ही लगता है सबको। व्हाई नॉट, जैसे आप रिजॉर्ट्स में जाते हो या हिल स्टेशन पर जाते हो, अच्छा ही लगता है। बट कृष्णा कह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। सत्वम सुखे संजयति, सतोगुण में व्यक्ति सुख से बन जाता है। तो उसमें सुख आता है, जो अच्छा लगता है उससे व्यक्ति आसक्त हो जाता है। बंधना मतलब आसक्त हो जाना, शास्त्रों में जब बंधना कहते हैं तो वो आसक्त हो गया। सो अच्छा लगने से भी आसक्ति आती है, आराम से आसक्ति आती है, होता नहीं होता है? तभी तो कहते हैं आराम क्या है, आराम हराम है, तभी कहते हैं। सो ठीक है, आसक्त हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, आप इस संसार में किसी भी चीज से आसक्त हो गए, आपको वापस आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि अगर आप एक समोसे से भी आसक्त हो, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा समोसा खाने के लिए। सो ये तो चलो चीज है समोसा, हम यहां पे सुख और शांति की बात कर रहे हैं। अब जितनी भी संस्थाएं हैं वो तो यही बात करते हैं ना, सुख शांति। अब ब्रह्म कुमारी वाले क्या करते हैं, ओम शांति, नहीं उनका ये होता है ना, ओम शांति, वही होता है। और फिर उसके बाद आप आर्य समाज चले जाओ या गायत्री परिवार चले जाओ, कोई भी चले जाओ संस्था, शांति की तो बात करते ही है, शांति मिले, सुख मिले। कृष्णा कह रहे हैं अच्छा है, बट उस सच्चाई में भी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम एक्चुअली थोड़ी ज्यादा ही है, क्योंकि अच्छाई से हम जल्दी आ सकते जाते हैं, बुराई से तो बल्कि कम आ सकते होते हैं, वो भी भगवान आ जाएंगे। इन दिस मतलब इस सेंस में सतोगुण ज्यादा डेंजरस हो गया, क्योंकि सतोगुण से क्या मिल रहा है, सुख और शांति, उससे निकलना असंभव है। उससे आसक्त होना बहुत ही स्वाभाविक है, और उस आसक्ति से निकलना असंभव है, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। तो कृष्णा कह रहे हैं वेल, सत्वम सुखे संजयति। अब उसमें प्रॉब्लम है, अगर आप जैसे एक बार ये ना आपके क्या कहते हैं दलाई लामा, दलाई लामा पता है ना,
तो दलाई लामा को चुनते हैं ये लोग, क्या कहते हैं इस, उनको मतलब जो जब नेक्स्ट दलाई लामा होगा तो मतलब ऐसे नहीं है कि उस दलाई लामा तो उसके तो शादी नहीं होती, तो उसका बच्चा तो है नहीं कि उसके बच्चे को बिठा दें वहाँ, तो चुनेंगे कैसे नेक्स्ट दलाई लामा। तो वो लोग फिर अपना ध्यान लगाते हैं सारे मॉन्क्स बड़े बड़े, दलाई लामा भी, दलाई लामा जब मर जाता है तो वो लोग ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगा के फिर उनको दलाई लामा उनके मेडिटेशन में आते हैं और कहते हैं कि मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ कहीं, इस तरह से। तो एक्चुअली इसके पिछले वाला दलाई लामा था, इसके पिछले वाला दलाई लामा था, उस जब 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 उसका गुरु मरा तो उन्होंने धोखा भी हमें ढूंढना है, तो फिर वो ही मेडिटेशन में आया, उसने कहा कि मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हूँ बच्चे के रूप में और मेरा नाम ये है ऐसे ऐसे। तो फिर ये लोग गए और उस बच्चे से मिले वहाँ पे, उसका नाम वो ही था लड़के का, उससे मिले, उसको कन्विंस करके वापस लेके आए और फिर उसको दलाई लामा बनाया गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब एक्चुअली जो 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 मतलब जो जो उनका सर्वेंट था, दलाई लामा तो मर गया मगर उनका सेवक जिंदा था, तो सेवक ने बोला, तो जब जब दलाई लामा उनके मेडिटेशन में आए ना कि मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हूँ, सेवक ने बोला कि एक्चुअली ये सही है क्योंकि जब मैं उनका सर्वेंट था तो हम स्विट्जरलैंड गए थे दलाई लामा के साथ, दलाई लामा को स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा लगा था। दैट्स अ होल पॉइंट। पैदा हो गया वो, सो इसलिए बहुत बड़ी रिस्क है सदोगुण में। सुख से आसक्त हो गए, ओके। रजः कर्मणि भारतः, और रजोगुण में व्यक्ति किससे आसक्त हो जाता है? कर्मों से। कर्म मतलब यहां पे इच्छा है, कर्म ऐसे तो कर्म ही समझ सकते हो, मुझे ये करना है मुझे वो करना है, मतलब चैलेंज से, चैलेंज समझते हो, लोग कहते नहीं मुझे चैलेंज अच्छा लगता है। एक्चुअली चंद्रप्रभु का एक फ्रेंड है अभी, एक पता नहीं तो स्कूल में या कोई पता नहीं जो ऑफिस में, ऑफिस में इलेक्शन ऑफिस में ना, तो वहाँ पे वो तो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो, तो अचिंत्य बता रहे थे मुझे कि भाई देखो वो तो आईएएस की, तो अचिंत्य बता रहे थे कि हम ऐसी बात कर रहे थे, तो अचिंत्य कह रहा था कि भाई देखो इतना इंटेलिजेंट है वो, मतलब उससे जो भी पूछो आंसर है उसके पास। अब आईएएस वाले तो ऐसे ही होते हैं ना, उससे पूछो भाई बायोलॉजी के बारे में आंसर है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, फिजिक्स, तो उससे एक बार वो हार्ट की बात कर रहे थे तो उसको हार्ट के बारे में पता है कि ये अरेथमिया है, ये वेंट्रिकुलर अरेथमिया है। तो कहते हैं भाई तो क्या है, तुझे सब कुछ ही पता है। तो चिंदे मुझे बता रहा था इतना इंटेलिजेंट है, तो मैंने चिंदे से कहा चलो उससे पूछना है क्वेश्चन, अब अगले दिन मिलेगा ना तो पूछना है ये कर क्यों रहा है, ये सब क्यों जान रहा है, इसका मतलब क्या है, आईएएस बनना क्यों चाहता है ये पहले बता दे। तो यानी कि मजाक मजाक में पूछ लेना, तो अचिंत्य ऐसे ही उसने पूछ लिया मजाक में, भाई तू इतना तू इतना इंटेलिजेंट सब कुछ आता है तू ये सब कर क्यों रहा है, आईएएस बनने क्यों जाता है, तेरी ऑलरेडी नौकरी लगी, उसकी नौकरी लगी हुई है एज अ टीचर, तो आईएएस पढ़ रहा है ये सब क्यों, इतना नॉलेज पढ़ता रहता है 24 घंटे क्यों कर रहा है ये। तो उसका आंसर पता क्या था? उसका आंसर था कि मुझे मुझे चैलेंज लेने में मजा आता है इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम से जूझने में मजा आता है, और आईएएस में इतनी पढ़ाई है ये है वो है चैलेंज है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, यू सी द पॉइंट, मतलब खोदा पहाड़। मतलब वो कहता कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कुछ नहीं आंसर ही बिल्कुल उल्टा निकला, या पैसे कमाना चाहता हूँ, या आंसर निकला कि मुझे बड़ा मजा आता है प्रॉब्लम्स लेने में। तो वो रजोगुण है, रजोगुण में चैलेंज और प्रॉब्लम्स लेने में आदमी को मजा आएगा। और जितने भी आपके जो होते हैं साइंटिस्ट होते हैं, आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछो कि भी तुम साइंटिस्ट तुम रिसर्च क्यों कर रहे हो, 90% साइंटिस्ट कहेंगे मैं मजा आता है रिसर्च करने में, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ दुनिया के लिए ढूंढना चाहता है या कल्याण की भावना, ऐसा कुछ नहीं है, उसको मजा आ रहा है रिसर्च में। सो दैट्स अ होल पॉइंट, रजोगुण में व्यक्ति चैलेंज और प्रॉब्लम से आसक्त हो जाता है, उसको उसमें किक मिलने लगते, किक किक समझते हो, किक क्या कैसे आप पता नहीं, आप लोग माता जी समझ पाएंगे, पूर्व समझ पाएंगे, नहीं किक किक समझते हो ना,
सिगरेट पीते हैं, पैक पीते हैं, तो एक किक नहीं लगती? देयर इज अ किक। सो उनको अंदर से मजा आता है उसमें। सो चैलेंज, आजकल के यूथ्स भी ऐसे हैं नहीं, चैलेंज लेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा, है नहीं? यही कहते हैं, हम बोलते हैं भी शांति से बैठ जाओ, अरे शांति से बैठने में क्या मजा है, यही कहते हैं। सो रिस्क लेने में उसमें बड़ा मजा आता है, वो रजोगुण का लक्षण है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप जिससे आसक्त होगे वहीं पैदा हो जाओगे, नहीं? आपको चैलेंज लेने में, रिस्क लेने में मजा आ रहा है तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स लेने में मजा आ रहा है क्या होगा, अगले जन्म में छप्पर फाड़ के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है? तो मजा आ रहा है ना, तुम आसक्त हो ना प्रॉब्लम से, तो अगले जन्म में प्रॉब्लम्स ही बारिश हो जाएगी, अब मजा करो। दैट्स अ होल प्रॉब्लम रजोगुण में। और तमोगुण, ज्ञानम आवृत्ते तू तमः, तमोगुण में क्या प्रॉब्लम है? तमोगुण, तो तमोगुण क्या है? प्रमादे संजेति, तमोगुण में प्रमाद होता है ना, मैंने बताया था ना, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तमोगुण में ये आदमी पागल हो जाता है। तो यहां पे पागल का मतलब क्या है? तमोगुण का पागल एक्चुअली ज्ञानम आवृत्ते तू तमा, तमोगुण में ज्ञान ढक जाता है, ये होता है, तमोगुण अंधेरा है ना, तो ज्ञान ढक जाएगा। तमोगुण में व्यक्ति ज्ञान को अज्ञान समझेगा, अज्ञान को ज्ञान। अंधेरे में तो ऐसे होता है, अंधेरे में कहां दिखाई देता है, अंधेरे में तो आप किसी को छुआ भी कौन है, ये कौन है, पता ही नहीं लग रहा आपको। सो सही को गलत, गलत को सही समझ लेगा, ये तमोगुण का लक्षण है। अंधेरा है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपने मन से सोच साच के कुछ भी सोचता रहता है, ये सही है ये गलत है, ये सही है गलत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो तमोगुण का लक्षण है ज्ञानम। और तमोगुण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पागलपन से आसक्त हो जाएगा। तमोगुण में क्या होगा कि उसको लगने लगेगा कि जो वो सोच रहा है वो ठीक है, जो गलत को भी सही मानता रहेगा, उसको हजार बार समझा दो समझ नहीं आएगा। भी अब जो शराबी होते हैं उनको समझाओ कि शराब खराब है, आती है समझ? नहीं आता, वो पागल हो गया, वो एडिक्ट, एडिक्शन, एडिक्शन समझते हो? तमोगुण से एडिक्शन हो जाती है। लोगों में अपने अपने आइडियाज होते हैं, हम भक्ति नहीं करेंगे, ये तो ज्ञान ढक गया ना उसका। अब आप समझा के दिखाओ लोगों को, समझेंगे? नहीं समझते। तो तमोगुण में वो पागलपन से आसक्त हो जाएगा, वो पागल तो हो ही गया, वो ऊट पटांग सोचे जा रहा है और उसी से आसक्त हो गया वो, ये तमोगुण का लक्षण है। सो एक तो पागल है, ऊपर से पागलपन से आसक्त है, मतलब यू कैन इमेजिन, मतलब पागल है और पागलपन में मजा आ रहा है उसको। जैसे ये नहीं होते, जैसे ये नहीं होते मवाली और नशेड़ी लोग, घूमते नहीं रहते रात को बंबई की सड़कों पे, वो होते हैं। अब कहो भैया तू पागलों की तरह क्यों घूम रहा है रात को, मवालियों की तरह रात को 2 बजे घूम रहा है, पी पा के कर क्या रहा है तू, क्या कहेगा? मुझे मजा आता है, यही है ना, ड्रग्स पी रहा है, पागलपन है ड्रग्स, उसको पता है मरेगा वो, फिर भी क्या है उसमें मजा आ रहा है। दैट्स द होल पॉइंट। या जो यूथ से हम बोलते हैं, भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़कियों के पीछे भागकर, पागलपन है, मजा आ रहा है। और प्रॉब्लम ये है ना कि मजा जो है वो लॉजिक से नहीं चलता, मजा आ रहा है तो आ रहा है नहीं उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। आप कहो उसमें तो कोई मजा नहीं है, तो कहेगा भाई तू करके देख, तब पर्दा लगेगा। से प्रभुपाद के पास गए थे, नहीं प्रभुपाद के पास ये हिप्पी लोग नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा हम तो LSD लेते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा ये तो क्या नॉनसेंस है, तो हिप्पी ने कहा कि आप भी लेके देखो तब पता लगेगा इसमें क्या मजा है तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया किसी को पता है? हाँ हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि टॉयलेट खाने में मजा है, उससे पूछा, तूने कहा नहीं बिल्कुल मजा नहीं है, क्या नॉनसेंस है, तूने कहा तूने खाई है खाई तो नहीं, तभी तुझे पता है कोई मजा नहीं है। उसी प्रकार तू मुझसे कह रहा है ना LSD ले मजा आएगा, मुझे बिना लिए पता है इसमें कोई मजा
नहीं है, नो दैट्स अ होल पॉइंट। प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंट थे, प्रभुपाद को आंसर देना आता था बाय द वे। सो दैट्स अ होल पॉइंट। अब प्रॉब्लम यह है ना, मजे का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसको आ रहा है उसी को पता है, जिसको नहीं आ रहा उसको नहीं पता। सो कृष्णा कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एक्चुअली एक ही शब्द में, वो है प्रीति। प्रीति समझते हो? तभी जीव गोस्वामी ने किताब लिखी प्रीति संदर्भ। जहां पे आसक्ति होगी वहां पे मजा आने लगेगा, बस ये है, ये एक प्रिंसिपल है। जिस चीज से आसक्त होगे वहां से आपको मजा आने लगेगा बस। मतलब अगर आप जैसे सुअर किससे आसक्त होता है? नाली से, कूड़े से, तो उसको उसमें मजा आने लगता है। तो अब एक्चुअली अब ये मुझे बताओ, चीज में मजा है या नहीं? उस पर्टिकुलर चीज में मजा है या नहीं? एक्चुअली उस चीज में कोई मजा नहीं है, वो चीज नहीं, चीज मतलब चीज चीज को कैसे कहेंगे, वस्तु, हाँ वस्तु बेटर है। उस वस्तु में मजा नहीं है, वो तो आप जितने आसक्त हो उतना ही मजा आ रहा है। ऐसे माँ को अपने बच्चे के साथ बैठने में मजा आ रहा है, उसको देखने में मजा आ रहा है, क्यों उससे आसक्त है? हमें तो नहीं आ रहा, बकवास, छोटा बच्चा तंग करता रहता है, रो रहा है, साइड में रखो उसको, हमें तो मजा नहीं आ रहा, तो माँ को बड़ा मजा आ रहा है। अब क्या है मतलब, उस बच्चे में मजा है या नहीं? वेल, एक को मजा आ रहा है, एक को मजा नहीं आ रहा, तो फिर उस बच्चे में क्या है? बच्चे में तो कुछ नहीं है, बच्चा तो बच्चा है। बट द होल पॉइंट इज, आप कितने आ सकते हो, कितने आ सकते हो? नहीं, एक कहावत है वैसे, मतलब क्या बताऊं मैं लेक्चर में कैसे बोलूं, बट है ये, अब तो सब आप सुन ही रहे हो। कहते हैं वो क्या कहते हैं, हमारे कॉलेज में बोलते थे, आपको भी पता होगा, जब दिल आया घदी पे तो परी क्या करेगी। हमारे यहाँ तो कॉलेज में, तो उसको मजा क्यों आ रहा है उसके साथ, वो घदी है। बट अब भाई क्या कहते हैं, वी हैव फॉलन इन लव, कहते नहीं है क्या, पहली, क्या पहली दृष्टि, क्या कहते हैं उसको, नहीं पहली दृष्टि में आंखें चार, आंखें चार, पुराना मुहावरा हो गया, लव इन फर्स्ट साइट हो गया हमें पहले में। अब वो क्या है, वो लव इन फर्स्ट साइट क्या है? नॉनसेंस है, वो कुछ नहीं है। वो है जो भी, अब आसक्त हो गया, आसक्ति हो गई तो अब मजा आ रहा है, नहीं? अब प्रॉब्लम ये, आसक्ति हो गई मजा आने लगा, अब शादी के बाद आसक्ति कम होने लगती है, क्योंकि जानने लगते हैं ना एक दूसरे के फॉल्ट्स, जैसे जैसे आसक्ति कम होती है मजा कम होने लगता है बस, फिर थोड़े टाइम बाद मजा खत्म हो जाता है, फिर बच्चा होता है तो उसके लिए फिर रह रहे होते हैं साथ में बस, और कुछ नहीं होता। हाँ देख लो कितनी बड़ी इल्यूजन है, इसको कहते हैं इल्यूजन, इसको कहते हैं माया, सारी प्रॉब्लम है आसक्ति। तो अब मुझे बताओ, सुख शांति में मजा है या नहीं? शांति में और इस संसार के सुख में मजा है या नहीं? उस बच्चे में मजा है या नहीं? नहीं है, वो तो आप आ सकते हो तो ठीक है। तो अब वो तो बच्चा नजर आ रहा है ना, वो तो बच्चा, समोसे में मजा है या नहीं? नहीं, कुछ लोगों को समोसा के उल्टी आ जाएगी। मतलब आप ऐसे मान लीजिए, अब मान लीजिए मैं आपको क्या कहते हैं, आप चीज, मुझे चीज अच्छा नहीं लगता, चीज अब मुझे खिलाओ उल्टी आ जाएगी। चीज खाया कभी? मतलब ये नॉर्मल इंडिया वाला नहीं, जो बाहर जो चीज मिलते हैं ना अलग अलग टाइप के, खा नहीं सकते आप, उल्टी आ जाएगी, खा ही नहीं सकते, अजीब सड़ा, उस चीज को भी सड़ाते हैं वो, एक एक महीना सड़ा के फिर उसके बाद लगाते हैं। मतलब मेरे को, मैं चेक में था तो उन्होंने ब्रेड दी, मतलब मैं यहां लाया, मुझे तो उल्टी आ गई, मैंने वापस रख दिया, स्मेल से मतलब दिमाग खराब हो गया, मगर वो आराम से खा रहे हैं, तो कह रहे हैं कितना मजा आ रहा है। अब मुझे, अब क्या है उसके अंदर मजा है? नहीं है। तो ये तो वस्तु की बात हुई, अब हम थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर जा रहे हैं, नहीं? अब शांति में मजा है नहीं, अब ये बताओ, अब वही चीज हम आगे बढ़ा रहे हैं, अशांति में मजा है नहीं? दिमाग लगाओगे तो नहीं है वो, तो आप अगर आसक्त हो,
शांति से तो आपको मजा आएगा, आप आसक्त नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। और यूथ्स को मजा नहीं आता शांति में, कई लोग शांति में रह भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं मजा ही नहीं आता। आप यूथ्स को बोल दो तू शांति से बैठ जा, भाड़ में मुझे मजा ही नहीं आ रहा, मुझे तो डीजे चाहिए, रॉक चाहिए, क्या बिठा दिया मुझे, उसको तो शांति मजा नहीं आ रहा, तो शांति में भी मजा नहीं है तो फिर किस में मजा है? इस संसार के सुख में मजा है? सुख में भी मजा नहीं है, क्योंकि आप जितने आसक्त हो सुख से उतना ही मजा है, तो कहाँ है मजा? दैट्स द होल क्वेश्चन। अब ये इससे हमें पता लग गया भाई कि चीजों में मजा नहीं है, मजा तो आपके अपने आसक्ति पे डिपेंड करता है, वो बात है, वो अंदर से आ रहा है, वो चीज में नहीं है या सिचुएशन में नहीं है, वो आपके अंदर ही है जहां से आ रहा है। और कौन निकाल रहा है मजा? वो आसक्ति आपकी, जहां आ सकता है वहां चला जाता है, समझ रहे हो? जहां आ सकता है वहां चला जाता है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मुझसे आसक्ति कर लो तो वहां तुम्हारा मजा चला जाएगा। और एक बार भगवान में मजा आने लगा तो बस आपकी बात बन गई, फिर तो आप भगवान की सेवा छोड़ ही नहीं सकते, भगवान की सेवा नहीं छूटेगी, आप बस आपका काम बन गया, आपका परफेक्ट हो गई लाइफ। तभी कृष्ण आसक्ति की बात ला रहे हैं, तभी कृष्ण कह रहे हैं मुझसे आसक्त हो, मेरा स्मरण करो, मैं आसक्त मना पार था, वही सबसे बड़ा योग है, जल्दी जल्दी आसक्ति, आसक्ति या प्रीति या राग एक ही चीज है और कुछ नहीं है। तो जब तक भगवान में आसक्ति नहीं होगी तब तक हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि या तो भगवान से आसक्ति होगी या माया से आसक्ति होगी, दो ही चीजें हैं, भगवान से आसक्ति होगी या संसार से आसक्ति होगी, दो ही चीजें हैं। अगर भगवान से आसक्ति नहीं है तो संसार से आसक्ति है, संसार से आसक्ति तो संसार में आपको क्या आएगा? मजा आएगा, और मजा आएगा तो आपका माइंड वहीं अपने आप भागेगा। बस भगवान की एडवाइस ये है। अब ये जो हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना भगवान से आसक्त होने के लिए कर रहे हैं, भगवान का नाम लेना, गीता पढ़ना, प्रसाद लेना, भक्तों का संग लेना, हम इसलिए कह रहे हैं कर रहे हैं कि भगवान से आसक्त हो जाएं, और कुछ नहीं हो रहा है। हम जो भी सेवा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं आसक्त हो जाएं। तो आपको लक्ष्य पता होना चाहिए सेवा का, अगर सेवा का लक्ष्य नहीं पता तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आसक्ति है। कृति साधे भवेत साधे भाव से साधना विधा, दैट्स अ होल पर मैंने बताया था। साधना, साधना का लक्ष्य क्या है? भाव, भाव मतलब ऑफ कोर्स सेवा भाव, सेवा भाव मतलब आसक्ति भगवान से, भावना है ना वहां पे। सो दैट्स व्हाट द, तो कृष्णा कह रहे हैं कि भाई ना सुख से आ सकते हो, ना शांति से आ सकते हो, ना वस्तु से आ सकते हो, ना पागलपन से आ सकते हो, मुझसे हो जाओ। मुझसे आ सकते जाओगे तो त्रिगुणातीत हो जाओगे, उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। बस तो हम लोग क्या है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है सतो रजो तमोगुण से। हमारा प्रिंसिपल क्या है? वे लोग कहते हैं सतोगुण में रहो, रजोगुण में रहो, मत रहो तमोगुण में, मत रहो, ऐसा कहते हैं ना। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो जरूरी है वो करो, डू द नीडफुल। सुने, सतोगुण की जरूरत है सतोगुण में रह लो, रजोगुण की जरूरत है रजोगुण में आ जाओ, लड़ने के लिए रजोगुण में आना पड़ता है अर्जुन, तमोगुण में आना है तमोगुण में आ जाओ, रात को तमोगुण में जाना पड़ता है नहीं तो अच्छा है रेस्ट मिल जाएगा। सो जो जरूरी है वो कर लो। हम ना रजो तमोगुण से तो आसक्त है ही नहीं, सतोगुण से भी आसक्त नहीं है, हम कोई आसक्त नहीं है, जो जरूरी हम करते हैं बस, दैट्स ऑल फिनिश। सो वो समझना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं समझेंगे फंस जाएंगे हम, फिर पैदा होना पड़ेगा दोबारा से चीजों के लिए। ओके दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है कुछ कहना है? यू कैन आस्क मी। वैसे तो टाइम बचा है बट आई जस्ट वांटेड टू टेक क्वेश्चंस, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। क्या कह रहे हो दीक्षित? आसक्ति आसक्ति तो कहीं ना कहीं होगी, जिसके साथ भी रहेंगे, ये सिर्फ भगवान के गुरुदेव को कर रहे थे मार्केट में तो उसके जहाँ रहेंगे
देखो जरूरी नहीं है, अगर आप जॉब में हो जॉब में आ सकती हो, जॉब तो कर ही रहे हो आप, चीजें कर रहे हो, डिपेंड करता है। अगर भक्ति करते रहेंगे तो आसक्ति भगवान से होने लगेगी, बाकी जगह से आसक्ति हट जाएगी। आप वहां पे होगे मगर आसक्त नहीं होगे, बस ये बात है। आप जॉब में होगे, आप चीजों के साथ होगे मगर आसक्त नहीं होगे, मतलब आपका लैपटॉप होगा मगर आप आसक्त नहीं होगे। अब लैपटॉप तो यूज करना ही पड़ता है एज अ प्रीचर हमें, मगर हम आसक्त नहीं है, ठीक है, दैट्स ओके। इसी द पॉइंट, तो मतलब आसक्ति पता कैसे पता लगती है, कौन कितना आ सकता है किसी चीज से, कैसे पता लगते है? अब आप कहोगे मैं भी आ सकती हूँ, है नहीं? अब जिस चीज में मजा आ रहा है पहली बात तो अब वहां पे आ सकते हो, है नहीं? और जहां मजा आ रहा है वह मन जा रहा है, जहां मन जा रहा है वहीं आ सकते हो। मन कहाँ जा रहा है कैसे पता? अब भाई मन तो आपको लगाना भी पड़ता है नहीं? कुछ काम कर रहे हो, मन तो जा ही जाएगा, लगाना ही पड़ रहा है। अब लगाना और हाँ वो फर्क है, तो कैसे पता लगेगा आपको, कैसे पता लगेगा कि आप लगा रहे हो या जा रहे हैं मन अपने आप? कंफ्यूजन है ना उसमें। आप कहोगे भाई मैं तो लगा ही रहा हूं, मगर वो हो सकता है वो जा रहा है। हाउ डू नो दैट? भाई आप मान लीजिए आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, आपने दबा के सेवा की और आपने पूरा मन लगाया, मगर हमने कहा कि भाई हमें पता लग रहा है तुम तो आसक्त हो रहे हो जो सर्विस सेवा कर रहे हो उसी में चीजों से। अगर नहीं नहीं प्रभु जी हम तो लगा रहे हैं, आसक्त थोड़े ना हम, कैसे पता लगेगा? तो कहेगा सेवा और करने का मन तो करना ही चाहिए, खराब ही गया। फिर वो ऐसे पता नहीं लगेगा, क्योंकि मान लीजिए कोई और सेवा करो नहीं कर पाए, वो कहेगा नहीं कर पा रहा मैं और सेवा यार, क्या करें? आंसर बताओ जल्दी, मतलब ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, पता नहीं लगता है। जैसे जो जो कुक्स होते हैं ना, कुक्स मंदिर में जो कुक्स होते हैं, पुजारी होते हैं, तो प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए, ऑफर करते हैं और फिर प्रसाद लेते भी हैं, तो धीरे 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 उस प्रसाद से अटैच्ड हो जाते हैं, मगर उनको पता नहीं लगता, तो लगता हम तो सेवा कर रहे हैं। या मान लीजिए आपको, मान लीजिए आप भगवान के बर्तन धो रहे हो, रोज धोते जा रहे हो, अब आप बर्तन से आसक्त हो गए, पता नहीं ना कौन किससे आसक्त हो जाए, ऐसा भी हो जाता है, मन तो पागल है, भगवान के बर्तन से आसक्त हो गए आप, कैसे पता लगेगा? अब पता कैसे लगेगा? अब आप तो सोच रहे हो, आप सोच रहे हो भगवान के बर्तन साफ हुए या नहीं, सुंदर है या नहीं, नहीं ये सोच रहे हो सपोज, तो आपको ये तो सोचना ही चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए भाई? आप घर में बैठे आपको भगवान के बर्तन का याद आया, भगवान का बर्तन साफ होना चाहिए, कितना अच्छा है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि अब ये क्या है, ये भक्ति है या आसक्ति है? नाउ दैट्स द होल पॉइंट। आप किस चीज से तो आसक्त नहीं हो रहे उस, हाउ डू यू नो दैट? प्रॉब्लम वहां पर वो है बहुत बड़ी। क्या आंसर? बर्तनों से तो चलो ये पता लग सकता है कि अगर किसी और ने बर्तन धो लिए और हमें बुरा लग रहा है तो क्यों ये तो मैंने धोने थे, तो फिर आसक्ति है वो भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो, हाँ कि किसी और ने धो लिए मैंने धोने थे, वो कह सकते हो, मगर तो इट मींस कि मैं आसक्त हूं। अगर मेरे को बुरा नहीं लग रहा कि ठीक है चलो उसने कर दी सेवा कोई बात नहीं, कह सकते हो, कह सकते हो, अगर आपको बुरा लग रहा है अभी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो, क्योंकि आप कहोगे मैं कहूंगा भी आपको बुरा क्यों लग रहा है, देखो उसने धो दिया है नहीं, तो कहेगा प्रभु जी वो तो इसलिए लग रहा है उसने सही से नहीं धोए थे, फिर क्या करोगे? तो बुरा लगना ही चाहिए, उसने सही से नहीं धोए, वो सही से नहीं धोता इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए थोड़ा ना लग रहा है कि उसने धो दिए। अब कंफ्यूजिंग है ना, तो आप बहुत सिंपल आंसर है एक्चुअली, आप लोग बस क्या बताऊं,
यस आंसर ये है, चैंटिंग से पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर चैंटिंग में बर्तन घूम रहे हैं इसका मतलब आप बर्तन से आसक्त हो, कृष्ण से आसक्त नहीं हो। अगर चैंटिंग में आपके लैपटॉप घूम रहे हैं आप लैपटॉप से आसक्त हो गए, क्योंकि कृष्ण से आसक्त हो तो कृष्ण आएंगे चैंटिंग में। सिंपल, आप जिसके लिए कर रहे हो वो आएगा ना, बस चैंटिंग ही पैरामीटर है, उसी से पता लग सकता है और कोई तरीका नहीं है। हाँ तो यही आता है बस, तो फिर वही है बस। वो हम सब ऐसे ही हैं, हम सब सेवा से, हम सेवा करते करते उन चीजों से ही आसक्त हो जाते हैं जिनको सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे आसक्त होने के लिए, मगर जिससे आसक्त होना है उससे आसक्त नहीं, जो उन चीजों से आसक्त हो जाते हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए इसलिए चैतन्य प्रभु ने कहा चैंटिंग परम विजयते श्री कृष्णा, चैंटिंग ही सब कुछ है, वही आपको बताएगी आप कितने पानी में हो, वही आपको निकालेगी उस पानी से भी, अगर आप अच्छी तरह चैंटिंग करोगे तो धीरे 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 आप निकल जाओगे। इसलिए कौन कितनी सेवा कर रहा है उससे एग्जैक्टली पता नहीं लग सकता। ऑफकोर्स जो ज्यादा सेवा कर रहा है वो ज्यादा अच्छा डिवोटी है, जो कम सेवा कर रहा है वो तो ऑफकोर्स वो तो बिल्कुल ही लेजी आदमी हो गया। मगर ऑफकोर्स अब जो तो मान लीजिए 100 जने हैं, उसमें से 10 जने सेवा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो 10 जने 90 जनों से तो बेटर ही हैं, मगर उन 10 जनों में जो सेवा कर रहे हैं उनमें से कौन बेस्ट है ना, ये पॉइंट है। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे, हजारों में से एक सेवा करेगा, और उन हजारों में जो सेवा करने वाले एक परफेक्ट होगा वो कौन है। तो 10 में से एक ही व्यक्ति होगा जो कि सेवा करते करते जिसके लिए सेवा कर रहे हो उसे आसक्त हो जाएगा, बाकी लोग उन चीजों से आसक्त हो जाएंगे। सेवा तो छोड़ो, चीजों से आसक्त हो जाएंगे, तो इसलिए वो बेस्ट नहीं बन पाएंगे। बस दैट्स अ होल पॉइंट। और वो चैंटिंग से पता लग जाएगा आपको, तो इसीलिए चैंटिंग, और चैंटिंग ही निकालेगी, सॉल्यूशन भी चैंटिंग ही है, चैंटिंग बताएगी कितने पानी में हो और चैंटिंग ही आपको निकाल देगी। इसलिए चैंटिंग अच्छी तरह करनी चाहिए, चैंटिंग अगर आप सही से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तो सेवा करते करते आप चीजों से आसक्त हो जाओगे, भगवान की चीजों से। अब वो चीजें तो आप भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप खुद ही आ सकते हो अपने स्वार्थ के लिए, वो तो दिक्कत है। किसको वैन तो बेनिफिट कौन मना कर रहा है, नहीं मिलेगा, हम तो बेस्ट की बात कर रहे हैं, हम सेकंड स्टैंडर्ड की बात ही नहीं कर रहे। बेनिफिट तो चलो सबको मिलेगा, बेनिफिट तो कोई यहां पे आके बैठ जाएगा एक बार नाम सुन ले उसको भी मिल जाएगा, है नहीं, एक बार वो क्या यहां पे भी आने की जरूरत नहीं है, बाहर प्रसाद दे तो उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट की तो बात ही नहीं करते यहां पर, फायदे और उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं परफेक्शन की। चैतन्य प्रभु के मूवमेंट में तो परफेक्शन है, बेनिफिट वाले तो बस सनातन मंदिर है उनके लिए तो इस्कॉन नहीं है, मैं तो परफेक्ट बनने आया हम नहीं। सो वो तो चलो ठीक है, सो दैट्स अ होल पॉइंट, समझ गए चैंटिंग से। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, वासुदेव दत्त थे जिन्होंने कहा था कि मुझे पूरे ब्रह्मांड के जीवों के दुख दे दो और नर्क भेज दो, उसका आंसर आपने। तो क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने बोला था कि सारे जीवों के मुझे दुख दे, नर्क भेज दो उनके पाप देकर, तो तो उन्होंने क्यों बोला था, उसका आंसर कि मुझे सारे संसार के पाप दे दो जीवों के और मुझे नर्क भेज दो, हाँ तो क्यों बोला था उन्होंने, ये मैंने पूछा था आपसे, कुछ और क्वेश्चन था मुझे याद है, इसी से लिंक था, मगर एग्जैक्टली मैं समझ गया आपका, वो एक कुछ किसी से और से लिंक था ये क्वेश्चन। था कि उन सबको मुक्त कर दो, फिर उन सबको जो बंधे हुए हैं तो फिर उन सबको मुक्त कर तो अच्छा ही दो, है ना, तो खराबी क्या है इसमें। मतलब अपने लिए दो मांग रहे हैं दो सारे, वो ये कह सकते थे कि कि उनको मुक्त कर दो, बस ये कह सकते थे, वो ये क्यों कह रहे हैं कि उनके दुख मुझे दे दो, ये कह रहे हो ना। और ये भी कह रहे हैं नरक भेज दो, नरक क्यों, नरक जाने की जरूरत ही क्या है, वो नरक
अच्छा ये कह रहे हो आप वो, अच्छा मतलब क्वेश्चन समझ आया आपको। तो वासुदेव दत्त ने भगवान से प्रे की कि भगवान आप सबको मुक्ति दे दीजिए, उनके सारे पाप सारे दुख मुझ पे डाल दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो ये भी कह सकते थे उनके पाप खत्म कर दीजिए, मतलब अपनी बैंड की मुझमानी है, उनके भी पाप खत्म कर दीजिए मेरे भी कर दीजिए आराम से सब चले जाएंगे। अब ये तो अजीब सी बात है ना, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्या आंसर है, क्या कहते हो, प्रॉब्लम समझ गए ना। हम भी तो ऐसे ही प्रे करते हैं, भगवान सबको सुखी कर दीजिए, हमें भी सुखी कर दीजिए, सब सुखी हो, ठीक है, दैट्स अ गुड प्रेयर आई मीन टू से। अब ऐसे थोड़े ना करते, भगवान सब सुख सबको सुखी कर दीजिए, सबका सबका दुख मुझे दे दीजिए, ऐसे थोड़े ना करते हैं ऐसे तो फिर थोड़ा डेंजरस भी है ऐसी प्रेयर आप कर भी नहीं पाओगे, डर ही लग जाएगा आपको। सो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मतलब क्वेश्चन है कि उनको क्या शौक है दूसरों का दुख लेने का, ये क्वेश्चन है ना, पागल है क्या वो कि कोई शौक है, मतलब ऐसे तो बेकार का शौक है, मुझे पाप दे दो दुख दे दो। आंसर ठीक है आसपास हुआ आंसर के, या नॉट बैड आइडिया, बात तो सही है। तो एनी वे या ऑलमोस्ट ठीक ही है, क्योंकि मतलब वासुदेव दत्त यही सोच रहे हैं एक्चुअली क्या है कि वासुदेव दत्त भगवान ने कर्मों के नियम बनाए हैं नहीं, तो वासुदेव दत्त ये नहीं चाहते कि उनकी प्रेयर से भगवान नियम भी तोड़ दें, सारे नियम तोड़ दें। कैसा हो सकता है कि प्रकृति के भगवान ने जो नियम बनाए वो भी चलते रहे और काम भी हो जाए, क्योंकि अगर भगवान नियम तोड़ेंगे प्रकृति के तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे तो क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि देवी देवता सब नियमों में बंधे हैं ना, अब उसके लिए पूरी एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी, है नहीं। अभी किसी को आप किसी को बोलो जेलर को भाई इसको इसको रिलीज कर दे यार, कहेगा भैया अब कर तो दूंगा मगर उसके लिए पेपर वर्क करना पड़ेगा, यहाँ उसको बोलना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना कि किसी को पता भी ना लगे और उसको निकाल लें, तो भगवान को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर वासुदेव ने कहा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, अब सारे पाप मुझ पर ट्रांसफर कर दो, आपको मतलब आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ नहीं करना, सारे पाप किसको ट्रांसफर कर दिए वासुदेव दत्त, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, साइन कर दिया हो गया भाई सबको मुक्त कर दो, सिंपल है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम है। तो वासुदेव दत्त इसलिए कह रहे हैं सारे पाप आप भगवान आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके प्रकृति के नियम भी नहीं टूटेंगे, सेट चलता रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको बस एक काम करना है कि उनके ट्रांसफर आप मुझे कर दो, मैं सफर कर लूंगा, बाकी को मुक्त कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म, वरना हजार क्वेश्चन उठ जाएंगे, सारे ऋषि मुनि देवी देवता आ जाएंगे, भगवान ने तो प्रकृति का नियम ही हिलिया सारा, क्योंकि क्योंकि कर्मों के एक्शन रिएक्शन है ना, कहीं कहीं तो ट्रांसफर होंगे, मतलब जीरो नहीं हो सकता ना वो चीज सब, या तो इसके उधर डाल दो या उसके उधर डाल दो, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप किसी के लिए सद्भावना रखते हो तो आपके पाप उस पर चले जाएंगे, मतलब सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, सॉरी अगर आप डिवोटी हो और आपके फ्रेंड्स बन गए और आपके एनिमीज हैं, है नहीं, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उन पे आपके पुण्य चले जाएंगे, जो आपके एनिमीज हैं उन पे आपके पाप चले जाएंगे, भगवान एडजस्ट कर देते हैं, भगवान पुण्य पाप खत्म नहीं करते, खत्म नहीं कर सकता ना कोई, क्योंकि सबके जीवों के अपने अपने कर्म है, कैसे खत्म कैसे होगा, ट्रांसफर जरूर हो सकते हैं इधर से उधर। तो भगवान इस तरह करते हैं, जैसे जैसे भक्ति करते हो जो आपकी हेल्प करेगा भक्ति में, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके पास आपके सारे पुण्य चले जाएंगे, जाते रहेंगे, और जो आपका एनिमी जो दुश्मनी करेगा जो आपके अगेंस्ट बोलेगा उस पर आपके पाप जाते रहेंगे, तो आप पुण्य पाप से खत्म, इस तरह से भगवान पुण्य पाप जीरो कर देते हैं और आपको अपने पास ले जाते हैं, दैट्स द होल आइडिया, ट्रांसफर कर देंगे इधर उधर। सो इस तरह से वासुदेव इसलिए प्रे कर रहे हैं भगवान को कष्ट ना हो, ये पॉसिबल है, ट्रांसफर करना पॉसिबल है, जीरो करना पॉसिबल नहीं है,
समझ गए, ये ज़रूर हो सकता है। जैसे भी आपका आपका बैंक राजपुरा में खुला है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है ना दिल्ली में, फिर वहाँ से आप पंजाब में भी बैंक में भी ट्रांसफ़र कहीं भी कर सकते हो। आप बैंक अकाउंट बंद करना है, और स्पेशली अगर आपकी ट्रस्ट है तो बहुत सारे लॉज हैं वो ट्रस्ट का अकाउंट, जैसे हम लोग भी ट्रस्ट इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस बंद करने में बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं। फिर ये करो वो करो, हज़ार क्वेश्चन पूछते हैं, आप बंद क्यों करना चाहते हो अकाउंट, ट्रस्ट का वो भी मत करो, ये करो वो करो, है नहीं, सारे हज़ार क्वेश्चन होते हैं। तो ट्रांसफ़र कर देते हैं ब्रांच में, ट्रांसफ़र करने भी थोड़ा पूछते हैं बट कर देते हैं। सो ये बात है बस, समझ गए, ही इज़ इंटेलिजेंट, वो भगवान के कष्ट के बारे में सोच रहे हैं इसलिए। ओके सो इसलिए डिवोटी क्या प्रे करता है भगवान से, भगवान मैं अपने कर्मों को, मैं अपने कर्मों को सहता रहूं, बस आप इतनी कृपा कीजिए आपको भूलूं नहीं, यही कहते हैं ना डिवोटी। क्योंकि डिवोटी का भगवान को कष्ट नहीं देना होता ना कि भगवान उसके कर्म जीरो कर दें, वही बात हो गई ना, वरना भगवान को कष्ट होगा भाई, प्लानिंग करनी पड़ेगी कैसे करें। भगवान आप चिंता मत कीजिए, मेरे जो कर्म आ रहे हैं मैं उसको सहता रहूंगा, बस आप इतना जरूर कर दीजिए कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो मैं आपको कभी भूलूं ना, बस ये भक्ति है। ठीक है, ओके इफ दैट्स इट विल स्टॉप देयर। क्या कह रहे हैं, एक बार नाम लेने से पाप खत्म हो जाते हैं, शुद्ध नाम, नामाभास से भी पाप खत्म हो जाते हैं, शुद्ध नाम से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हमारा कौन सा नाम है अभी, अभी तो डालडा ही है जिसमें पता नहीं क्या मिला हुआ है, अभी तो अशुद्ध नाम है ना, अभी हम अशुद्ध चेतना से नाम कर रहे हैं ना, अभी शुद्ध नाम तो है नहीं, तो फिर हमारे सारे पाप खत्म हो गए, नहीं नहीं हुए। एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि अगर कोई गलती से भी नाम ले ले, ऐसा भी लिखा है स्खलितम पतितम, तब भी उसके पाप कट जाते हैं। सुना है, सुना है ना भाई, कोई 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 पहाड़ से गिरा, उसने उस उसके मुंह से निकल गया हे राम, मर गया, पाप सारे खत्म उसके। जैसे अजामिल बच्चे का ही नाम निकला था, पाप खत्म हो गए, तो फिर ये क्या है, जब मतलब ये बात है कि भी गलती से नाम निकल रहा है तो सारे पाप खत्म हो गए, शुद्ध नाम हो रहा है सारे पाप खत्म हो गए, बस हमारे ही नहीं खत्म होंगे, हमारे पीछे पड़े हैं मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना, बैठक नहीं आ रहा, तो फिर क्या हो रहा है, मतलब ये तो अजीब सी बात है थोड़ी, इसका आंसर क्या है, क्या आंसर है, ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है तो ये भी बात है, ये भी बात है। सबसे पहला आंसर पता है क्या है, सबसे पहला आंसर है कि हमारे पाप इसलिए खत्म नहीं हो रहे क्योंकि भगवान खत्म नहीं कर रहे अपनी कृपा से, भगवान नहीं रोका हुआ है, नाम में तो शक्ति है खत्म कर देगा, जब वो गिरते गिरते खत्म हो रहे हैं तो हमारे नहीं हो, हम तो चलो सिंसियरली भी ले रहे हैं चाहे शुद्ध है तो भगवान, मगर भगवान करते ऐसा नहीं, क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई जो गिर रहा है ऐसे मर रहा है पड़ रहा है उसके उसके भगवान उसका नाम, उसके नाम लेने से पाप खत्म कर दिए, पाप खत्म हो गए मगर प्रेम नहीं मिला उसको, देयर इज अ डिफरेंस। तो भगवान चाहते हैं कि हमें प्रेम मिले, भगवान थोड़ा ना चाहते हमारे पाप खत्म हो जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे पाप खत्म हो गए तो प्रेम नहीं मिलेगा अभी इस सिचुएशन में, क्योंकि जैसे आपके पाप खत्म हो गए सारे, दुख आना बंद हो गए, दुखाना बंद हो गया आपके, बल्ले बल्ले आप तो भक्ति छोड़ दोगे, हो गया बस, प्रेम को प्रेम क्या खाक मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए भगवान जानबूझ के पाप आने देते हैं, पाप पुण्य वो भगवान की इंटरफेरेंस है वहां, इससे भाई दुख सुख आते रहें और फिर ये भक्ति करते रहेंगे, मतलब वो इस संसार के पाप आप के लिए भक्ति को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, देखना जो आपके अपने पाप हैं भगवान आपके ही पाप आपको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, इंटेलिजेंट है ना भगवान बहुत,
क्योंकि पाप आएंगे, दुख आएगा, दुख आएगा तो भगवान का स्मरण और होगा। डिवोटी तो ज्यादा करेंगे ना, डिवोटी तो चलो भगवान को ही पुकारेंगे, और सुख आएगा तो भी भगवान का स्मरण होगा कि भगवान कितने अच्छे हैं, तो उससे भगवान के लिए प्रेम भावना बढ़ेगी। इसलिए भगवान डिवोटीज को कृपा करके उनके पाप खत्म नहीं होने देते, वो भगवान की कृपा है बहुत बड़ी। समझ गई? That's how it goes. पहला आंसर तो ये है, बाकी चलो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर? नहीं आप ही, आप क्या कह रहे हो, पूछ रहे थे। मैं हमारे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं है, बस यही अपने को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कैसे मर्जी बोल जाए। कहाँ भगवान कह रहे हैं, ऑप्शन भी तो नहीं है, दूसरा आंसर भी तो नहीं था आपके पास? नहीं आंसर नहीं, पहले तो आंसर तो हो। तो हम बोल के अपने आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं, आंसर से भगवान का स्वभाव पता लग रहा है, भगवान कितने कृपा के सागर हैं। और ये भी पता लग रहा है कि भगवान की कृपा जिस रूप में आएगी हम पहचान नहीं पाएंगे। भगवान कृपा से पाप हमारे आने दे रहे हैं, हमें लगता है भगवान की कृपा पाप खत्म करना जरूरी नहीं है। भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, हम कभी भी नहीं समझ सकते, ये भी पता लग रहा है। तो भगवान की इंटेलिजेंस पता लग रही है, भगवान का स्वभाव पता लग रहा है, और भगवान की उत्सुकता पता लग रही है। भगवान चाहते हैं हमें प्रेम मिल जाए, इसलिए आंसर है। ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए है। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। ओके, सो वी विल जस्ट फिनिश हियर। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।